तो दोस्तों आफ्टर शांति स्तूपा के बाद हम लोग अभी जाएंगे ले पैलेस। जी हाँ, ले पैलेस में अभी हम लोग जाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे शे पैलेस में जो कि स्टॉक विलेज में है। तो पहले जाएंगे हम लोग ले पैलेस में, तो दोस्तों चलिए मेरे साथ ले पैलेस में। हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप लोग पूरा एंड तक देखते रहिएगा ताकि मैं आप लोगों को हर एक चीज दिखा सकूं और आप लोग ये पूरा ले पैलेस शाही पैलेस पूरा दिख सको और उसके बारे में जितने सारे इन्फॉर्मेशन मुझे पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और यहाँ का व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ का रास्ता जो है ना बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। और सामने देख पा रहे हो ये पहाड़ पूरा रेगिस्तान जैसा दिखता है। अरे वाह, बाइकर्स भी जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं ले पैलेस में। ये मेरे सामने देख पा रहे हो ना, यही है ले पैलेस। तो हम थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं, तो यहां से मैं आपको दिखाता हूं ले टाउन कैसा दिखता है। जस्ट लुक एट द माउंटेन्स यार, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। पूरा ब्लू कलर दिखता है ना, वो दूर देख पा रहे हो ना पहाड़। इसका कलर देखिए अभी ब्लैक कलर हो गया, पहले ब्लू अभी ब्लैक। और ये है ले पैलेस। यहाँ पे ना दोस्तों बहुत ही तेज हवा है। यहाँ पे मेरी आवाज शायद आप लोग सुन पा रहे हो कि नहीं। ये देखिए, आप देख सकते हो कितना तेज हवा दे रहा है, मिट्टी कैसा उड़ रहा है यहाँ पे। तो चलो मेरे साथ अभी ले पैलेस के अंदर। तो दोस्तों मैं आया हूँ अभी टिकट काउंटर में, तो मैं अभी लाइन पे खड़ा हूँ। तो टिकट का प्राइस है 25 रुपीस पर हेड और ये सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। ले पैलेस के बारे में मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये जो ले पैलेस है ना, ये बना है 17th सेंचुरी में और ये बनाया है राजा सिंघे नामग्योल। जी हाँ, सिंघे नामग्योल जी ने ये ले पैलेस बनाया है। और इसका जो डिजाइन है ना, आर्किटेक्चर है ना, ये तिब्बत की एक राजधानी है लेसा बोल के, वहाँ पे एक पैलेस है जिसका नाम है पोटाला पैलेस। ठीक उसके जैसा ये डिजाइन बनाया है, इसका आर्किटेक्चर एवरीथिंग, उसका डिजाइन सब कुछ उसी पैलेस के जैसा है। तो मैं आपको एक एक करके ये ले पैलेस का इंटीरियर एक्सटीरियर एवरीथिंग मैं आपको दिखाऊंगा। तो हम लोग पहुंच गए हैं ले पैलेस में और आई एम शोइंग यू ईच एंड एवरीथिंग वट एवर आई हैव सीन हियर। यहाँ से हवा आ रहा है, बहुत तेज हवा आ रहा है, अंदर तो बहुत गर्मी है। मैं हर एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। चलिए, यहाँ पे क्या होता है ना, इसका जो दरवाज़ा है ना उसका हाइट थोड़ा कम है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है प्लीज़ माइंड योर हैंड। लंबे लोग ना थोड़ा ध्यान से जाइए भाई, लग जाएगा आपका सर यहाँ पे। तो ये है एग्जीबिशन हॉल, यहाँ पे इंडिया के जितने सारे मॉन्यूमेंट है और हिस्टोरिक प्लेस है उसका हर एक इंफॉर्मेशन और फोटोज यहाँ पे लगाया गया है। हैव अ लुक। सो फ्रेंड्स, ये पैलेस है ना, ये इंडियन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर में है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये वुडन चीज देख पा रहे हो ना, ये और ये जो बड़े बड़े वॉल आप देख पा रहे हो ना, इसका हर एक डिजाइन, हर एक चीज ना वो तिब्बती आर्किटेक्चर की डिजाइन से बना हुआ है। और यहाँ पे जितने सारे रूम मैं आपको दिखाऊंगा ये सब राज परिवार की मेंबर के लिए है। अब चलते हैं ऊपर, मैं आप लोगों को ऊपर से दिखाऊंगा कैसा दिखता है वहां से बाहर का नजारा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो लोग यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं और यहाँ से वहां का नजारा भी आप लोग देख सकते हो। कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर व्यू है।
It is so beautiful. तो दोस्तों ये है राज परिवार के मेंबर के रूम। तो दोस्तों अभी चलते हैं शाही मंदिर की ओर। तो ये है शाही मंदिर, चलो इसके अंदर जाके देखते हैं कैसा दिखता है इसका अंदर। पता नहीं यहाँ पे बैठने के बाद एक सुकून सा फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को लेह पैलेस का पूरा टूर करवा दिया, अंदर का बाहर का सब कुछ दिखा दिया। तो ये आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है। लेह पैलेस ख़त्म, अभी हम लोग जाएंगे और एक जगह पे, ये भी आपको दिखाएंगे कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। मेरे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग जाएंगे शेयर पैलेस में, और शेयर पैलेस का हर एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा और इसके बारे में पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो चलिए मेरे साथ शेयर पैलेस में।
तो दोस्तों मैं पहुंच गया शाह पैलेस में। ये देखिए शाह पैलेस, और मैं जाऊंगा ऊपर। ये देखिए ऊपर सीढ़ी है, सीढ़ी से मैं ऊपर जाऊंगा। तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों मैं आप लोगों को शाह पैलेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये जो शाह पैलेस है ना, ये बना है 1655 में, और ये बनाया है किंग देलेदान नांगमायाल जी ने, और इन्होंने अपने लेट फादर की मेमोरी पे ये महल बनाया। और दोस्तों आपको पता है ये मोनेस्ट्री और एक चीज़ के लिए फेमस है। हाँ, इसके अंदर जो स्टैचू है ना बुद्ध जी का, ये बना हुआ है प्योर कॉपर एंड गोल्ड से। मैं आप लोगों को अंदर जाके दिखाऊंगा, चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों ये है सबसे पुराना पैलेस। हम शाह पैलेस में आए हैं, तो यहाँ पे जगमीत जी मिल गए, तो ये हमें बताएंगे शाह पैलेस के बारे में। तो सर शाह पैलेस के बारे में बताइए जी। अभी हम शाह पैलेस में हैं, तो हम अभी है पैलेस के पीछे, इससे मेरे पीछे। ओके। हम हमारे पीछे टेम्पल है, बुद्ध है, इसके अंदर बुद्ध है, लॉर्ड बुद्ध। सिक्सटीन सेंचुरी मंजिल। ओके सर, आपको ऊपर से बताइए के राजा की यद्यपि बनाए नामग्याल डायनेस्टी में, नामग्याल सिंह या नामग्याल की उनकी बेटी थी। ओके। बनाने वाला नेपाल से आया, आर्टिस्ट लोग ने बनाए जी। नेपाल से आए? हाँ जी। तो इसका सारा सामान अभी नहीं है देखने के लिए, सारा रूम एम्प्टी है, सारा सामान स्टॉक पैलेस में शिफ्ट किया है। अभी भी वहाँ रॉयल फैमिली रहते हैं। अच्छा, म्यूजियम में कहाँ पे? नेपाल में? नहीं, फैमिली स्टॉक पैलेस। तो अभी ये सारा रूम एम्प्टी है पैलेस का, कुछ नहीं देखने। अच्छा, अभी अंदर लॉर्ड बुद्ध और सारा पेंटिंग 16th सेंचुरी वो सब इधर अंदर। हाँ जी, हमारा पीछे। ठीक है। इसके पूरा इससे पुराना है अभी जो ये पैलेस है 16th सेंचुरी, वो इससे पुराना पैलेस है ये वाला। ये आप देख पा रहे हो ये पैलेस, ये इससे भी पुराना है। ठीक है, ये कितने सेंचुरी का है? लद्दाख में राजा था, फर्स्ट राजा है। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू जी। जैसे आप जूता खुल के जाओ। ठीक है, हम अंदर जाते हैं। अब देखो तो गाइस, अब हम अंदर जाएंगे, अंदर जाके लॉर्ड बुद्ध जी को देखेंगे। ठीक है, चलिए। ये वही लॉर्ड बुद्ध जी है जो 16th सेंचुरी में बने हुए थे। तो यही है वो स्टैचू जो प्योर गोल्ड और कॉपर से बना हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना तक। हमने आज तीन जगह एक्सप्लोर किया है, और तीनों जगह मैंने आपको दिखा दिया। जिन्होंने नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो में जा के देख सकते हो। और अभी हम लोग जाएंगे ले मार्केट में, क्योंकि रात होने वाला है। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, और पसंद आए तो लाइक करना, और दोस्तों के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब भी करना। गाइस, तो फिर अब सबसे मिलते हैं ले मार्केट में। ओके, बाय।